हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जो है एक एबीसी क्लासेस रंजन वर्मा सर हैं, उनसे मैंने पोलाइटली यही रिक्वेस्ट किया था कि सर आपने जो 80 नंबर 80 क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए आपने कट ऑफ बता दिया है, तो इस पर आप अपना जो है रेटिफाई क्लेरिफिकेशन कर दीजिए, कितने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि तो बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो रहे थे। मैंने पोलाइटली तरीके से पूछा था, तो सर ने जो है कल वीडियो बनाई रात में, और जो भी उन्होंने मेरे बारे में कहा कि मैंने गलत बोला, अगर आपको सर बुरा लगा है तो मैं आपसे जो है पोलाइटली तरीके से सॉरी बोलता हूँ सर, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको बुरा लगाऊंगा किसी को। मैंने बस आपसे ये रेटिफाई करने के लिए कहा था कि आप ये चीज़ रेटिफाई कर दें, जिससे बच्चे जो है डिमोरलाइज हो रहे हैं, कि बहुत लोग थे जिनके 80 नंबर थे, तो वो बेचारे बार बार क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि टाइपिंग करें या नहीं करें, वो सर ने ऐसा बताया। तो मैंने उसी लिए बोला था कि सर आप पोलाइटली उस पर एक वीडियो बना दें, जो कि आपने कल मुझे रेटिफाई किया उसके लिए, और अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हुआ है सर, तो मैं आपको जो है दिल से सॉरी बोलता हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है किसी के प्रति वीडियो बनाने का कि उसे बुरा लगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें सुधार करें। बाकी हम हमें कोई बुरा लगे आपको बुरा लगे, तो इसमें मजा नहीं आता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ बुरा लगती है, तो आप जो है हमें छोटा अपना भाई समझ के माफ़ कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। और बाकी आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बस मैंने उस वीडियो में स्पष्टता यह कहा था कि पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कि आप इस पर जो है एक वीडियो बनाएं, जिससे बच्चे रेटिफाई हो जाए उस चीज़ को लेकर। तो सर अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ये सर के लिए एक छोटा सा मैसेज था, उम्मीद करते हैं उन तक जरूर पहुंच जाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो आप लोग जरूर पहुंचा देंगे। जय हिंद जय भारत।